ओके सो मैंने अभी क्या करा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आपको पता ही होगा मैंने अभी क्या करा है। ऐसा सीन है क्या? ओके सो सेकंड राइड ऑफ द डे अठारह टाइगर XRX। चलिए शुरू करते हैं। ओहो लद्दाख जा रहा है सर, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा वापिस लद्दाख। इसका क्लच ऐसे ही रहेगा, इतना क्लच इतना ही आएगा, ये देखो ठीक है ना। ओहो यार हैंडल बड़ा वाइड नहीं यार, बड़ा छोटा सा हैंडल है। रैम टाइगर में दूसरी बार चला रहा हूँ अपनी लाइफ में। आहा इसके भी अलग ही मजे हैं। एडवेंचर कैटेगरी बाइक पावर ना मैं इसमें, इसको तो गड्ढे से गुदाऊंगा मैं। विंड ब्लास्ट तो घंटा नहीं लगना। ओ भाई पावर, इसको तो भाई साहब मेरे को पता मिशन इम्पॉसिबल की याद आ गई, माँ कसम। आई थिंक थर्ड पार्ट में होता है ना ये मेरे को कमेंट करके बताओ कौन से पार्ट में होता है ये वाला सीन, जब वो कौन सी लड़की होती है, मैं नाम भूल गया, बहुत टाइम हो गया। देखो मैं समझ सकता हूँ निखिल भाई को कितना मज़ा आता होगा, और MS के भाई तो मज़े ही लेते होंगे। पावर पूरी कंट्रोल में है बाइक की, और मतलब एडवेंचर में तो है टॉप की। पैर थोड़े से कम पहुँच रहे बट सही है, बस मिरर नहीं है, इस चीज़ की कमी है। क्लाउड्स मैन मतलब खत्म यार, यहाँ पे ये जो फ्रेम आ रहा है ना ये वाला खत्म है। भाई मेरी जेन्युइन रिएक्शन है, लोग कहते हो ओवर एक्टिंग करो, नहीं भाई मैं नई नई बाइक चला के एक्साइट ऐसे ही होता हूँ, मतलब जैसे Z9 से मैंने पहली बार चलाई थी आई वाज लाइक ओ वाओ मशीन, ओ बॉय क्या मशीन है भाई, मजा आ गया। इसको लेके भी मेरा यही हाल हो रहा है अभी, और मतलब मैंने वो उसकी चलाई है, अपने पीपी भाई की चलाई है, पीपी व्लॉग्स उनकी चलाई है। अरे यार यूटर्न नहीं मारने देंगे क्या? नहीं मारने देंगे आराम को। The bike is beast man, power, oh my god, oh wallah habibi। Nikhil bhai agar aap ye vlog dekh rahe ho to here is your white tiger, yahi thi na। एक तो ये इतनी कंफर्टेबल इसलिए भी है, इसमें हैंडल राइजर्स लगे हुए हैं तो मेरे शोल्डर्स को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं एक बाइक चला रहा हूँ, एक सुपर बाइक चला रहा हूँ। सुपर बाइक मान लो एडवेंचर कैटेगरी बाइक चला रहा हूँ, मतलब उसको फील नहीं हो रहा कि मैं बाइक चला, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूटी चला रहा हूँ बहुत ईजिली, ऐसा वाला सीन है। और विंडो ब्लास्ट तो घंटा नहीं लगा। ओके सो मैं
मैंने अभी क्या करा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आपको पता ही होगा मैंने अभी क्या करा है। मैंने वाइट टाइगर देख के निखिल भाई को टैग मार दिया। निखिल भाई कुछ याद आया भाई? बाइक भाई मेरा मन नहीं भरेगा अगर ये मेरे हाथ में आ गई ना, मेरा मन नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भरेगा। बट गर्म हो रही है बहुत तगड़ी वाली यार। Z900 इतनी गर्म नहीं होती जितनी हीट ये फेंक रही है, या फिर कल की वीडियो आपने देखा हार्ले फेंक रही है, ये उतनी हीट नहीं होती मेरी Z900। होती है नो डाउट होती है, बट इतनी नहीं होती कि वो चूपे। ऐसा क्यों है मेरे को भी नहीं पता। और भाई क्लाउड तो आज आतंक ही मचा रहे हैं, तो उसको ले जाऊँ या फिर कहीं पे ऐसे हाईवे पे ले जाऊँ। नमस्ते, लोन ट्रांसफर हो जाएगा क्या? सर वो ट्रैम का क्या सीन है, कैसी लगी चलाने में? अरे भाई मक्खन, मेरा लिटरली मन पता है ये कर रहा है कि Z900 का ना ये कर दो, क्योंकि भाई वो तो आतंक है भाई, इतनी प्यारी। लेकिन अब हो चुकी है ना, आप ट्रांसफर हो चुकी है ना, प्रॉब्लम सारी है, आप सेकंड ऑनर हो चुकी है वो, तो अभी तो चलाएंगे Z900 पे। बहुत चीज़ें एडवेंचर करना है उस पर भी, क्योंकि यार देखो एडवेंचर कैटेगरी बाइक अलग ही रहती है और एक सुपर बाइक ही रहती है। ये बात फैक्ट है, ये बात प्रभात तेरे को भी बताओ, क्योंकि सुपर बाइक एक ऐसी कैटेगरी है जब वो तुम्हारे हाथ पे होती है ना, मजा स्वाद आ जाता है। तो क्या सीन है उसका? उसका क्या टाइगर, हाँ 2016 मॉडल है, टाइगर XR है भाई वो। हाँ। और इसमें जो सेंटर स्टैंड और सीट हाइट एडजस्टमेंट और क्रूज कंट्रोल ये बाय डिफॉल्ट आते थे, उसके अलावा वो बता रहा हूँ अलग से है, हीटेड ग्रिप्स इसमें अलग से है और ऑफ रोडर टायर्स इसमें अलग से है, स्कॉर्पियन का एग्जॉस्ट इसमें अलग से है और विंडस्क्रीन अलग से है, बाग बस्टर्स के नकल गार्ड इसमें अलग से है, और भी बहुत सामान है। इसका हैंडल मेरे को थोड़ा अजीब नहीं लगा, मैंने बाइक भी चलाई थी एक, हाँ। पीपी व्लॉग्स के अपने, उसका हैंडल थोड़ा वाइट था, इसका क्लोज है? उसका क्लोज नहीं है, इसमें यह है कि इसमें हैंडल बार एक्सटेंडर्स लगे हुए हैं इसमें भी। मैंने भी ये पॉइंट बोला क्योंकि इसका ना मैं ऐसे चला था, इट्स लाइक मतलब मैं एडवेंचर और डर्ट एक साथ चला रहा हूँ, ऐसा सीन था बिल्कुल। कि मैं एक तो वो सबसे प्यारी बात ये है कि भाई सस्पेंशन तो है ही है भाई, खत्म कर देता सस्पेंशन, रोड ऑफ रोड तो पता ही नहीं चलता कुछ है। ये वाला सीन ग्राउंड क्लियरेंस तो मजा आ गया। तो क्या सीन है प्राइसिंग इसका, क्या है? इसका प्राइस भाई विद एक्सेसरीज लास्ट वीडियो में तो बताया नहीं है, इसका बताएंगे भाई। ये जो बाइक है विद एक्सेसरीज कस्टमर को हम दे रहे हैं 8.5 लाख रुपए की, जो शोरूम से कॉस्ट करती थी उस टाइम पे जब ये BS4 थी, तो मतलब 15 लाख 70 हज़ार की तो बाइक थी, ऊपर से एक्सेसरीज मान लो 2.5-3 लाख रुपए सामान, तो 17-18 लाख रुपए की पड़ती थी भाई। और हम कितनी दे रहे हैं? 8.5 लाख रुपए। सिर्फ क्या होता है साले 2016 में है, सिर्फ मत लगा ठीक है, बहुत होते हैं भाई, कंडीशन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, मैंने खुद खर्चा करा है, स्वाद आ गया। तो इसका ये सीन है, आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि 8.5 लाख में आपको ट्रैम टाइगर मिल रही है, जिसको लेनी है वो ऑब्वियसली लेगा और जिसको नहीं लेनी तो आप तो वीडियो से सवाल ले ही सकते हैं, जो कि आप ले ऑलरेडी। और क्या माल है? बड़ा कुछ है भाई, ट्रायम्फ, डुकाटी, हार्ली, CBR, होंडा, मतलब जो कैटेगरी आती है ना सुपर बाइक में सब मिलेगा आपको अंडर वन रूफ, ग्रेजुएट सुपर बाइक। अब मेन सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाइक यहाँ पे खड़ी भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो बहुत सारे यूट्यूबर कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ना बाइक चला के दिखाना कि भाई बाइक में कितना दम है, वो बात अलग है कि नहीं है? बिल्कुल यार, कितने हमने खुद बोला भाई राघव भाई ये पकड़ो चाबी बाइक चला के बताओ। हाय भाई ने चाबी दी थी मेरे को और ऐसी दे दी थी कि मैं रैंडमली आया था कि ये वाले टेस्टर लेके आओ, और वो वीडियो बहुत अच्छा गया। मेरे को लगता है कि ये ऐसे जो वीडियो ना चलाने पे ही बेटर लगते हैं, क्योंकि एक बात बता, बाइक खड़ी है अंदर कितना डिफेक्ट होगा अगर, क्योंकि ये पब्लिक के माइंड में आता है कि भाई ये तो सालों अच्छा अच्छा कपड़ा मार के दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो चीज़ रोड पे दिखती है ना लोगों को अपीलिंग लगती है, तभी इन लोगों को विश्वास होता है, आई एम डैम श्योर होता है या नहीं होता, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाइक बाद में दिखाएंगे, आज के लिए और भी दूसरा यू नो जाना है, एक शूट है उसके लिए जाना है, तो थैंक यू प्रभात भाई। दो वीडियो की अभी सीरीज, 3 वीडियो की सीरीज हो चुकी है, अभी और भी आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अब नया माल आएगा तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, नया माल चलाएंगे।